हो गया आवाज आवाज सब ठीक है। इज ऑडिबल? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरुज। आज हम लोग मैथ्स की स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 का पहला लेक्चर होगा आज। शुरुआत शानदार होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट सब कुछ आसान बना देता है। आसान जब चीजें बनने लग जाती हैं या हमको महसूस होने लग जाती हैं तो कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना स्वाभाविक है। और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, बिकॉज एवरीथिंग इज ए गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। तो होल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट शुड बी अवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। मैथ को आसान बनाना, आसान भाषा में समझाना, आपके सारी शंकाओं को दूर करना मेरा काम है, आपका काम है। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सेशंस पूरे फॉलो करना। हर एक लेक्चर आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना काम पूरा ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से किया गया काम आपको ईमानदार रिजल्ट ही देगा। क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक मैथ डिस्कस करेंगे। इसके 6 से 7 लेक्चर मेरे होंगे। बेसिक मैथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक मैथ मतलब मैथ्स अप टू क्लास 10। अभी आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया है। कुछ बच्चे आर्ट्स लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, कुछ साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस में भी कुछ मेडिकल में जाएंगे, कुछ नॉन मेडिकल में जाएंगे। मेडिकल्स मीन्स बायोलॉजी लेंगे या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे नॉन मेडिकल में। तो क्लास 11th में मैथ्स का इम्पोर्टेंट आपका साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉन मेडिकल के बच्चों को के लिए तो मैथ्स इंटीग्रल पार्ट है ही, मेडिकल के बच्चों के लिए फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक मैथ पे पकड़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से लेके चलूंगा। सारे बच्चों को सही से समझना है, कुछ सारे डाउट क्लियर होंगे। बेसिक मैथ अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो 11th को कंटिन्यू करने में आपको दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी का सामना हो सकता है। अगर एक बार डिफिकल्टी का सामना हो गया, डिफिकल्ट आपको लगने लग गया तो बोरिंग लगेगा, फिर आप छोड़ देंगे, फिर 11th जैसा कि होता ही है काफी लड़कों का बर्बाद हो ही जाता है, क्योंकि 10th से 11th में हम एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अच्छे से कनेक्शन बनाने के लिए आप बिल्कुल बेसिक लेवल से चलिए। बेसिक मैथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है देखिए, पूरे अप्रैल मंथ आपको क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के लेक्चर यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे। तो आप लोग हमको अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से परखिए। एक बार अच्छे से हम लोगों को समझ जाइए फिर उसके बाद कनेक्ट होइए। आप ऑफलाइन के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से कनेक्ट होने के लिए आप लोगों को अपने प्ले स्टोर में जाके टेक गुरुज टाइप करना होगा। वहां से आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। अब वहां से संभव बैच जो कि यहाँ पे दिख रहा है, मात्र अभी अप्रैल ऑफर चल रहा है 1499 में आपको कंप्लीट 11th मिल जाएगा। तो इससे सुनहरा ऑफर आपको मिल नहीं सकता। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दीजिए। मन से पढ़ाई कीजिए, मन से मेहनत कीजिए, मन से किया गया काम पॉजिटिव रिजल्ट देता ही देता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन है हमारा बेसिक मैथ।
सेशन है हमारा बेसिक मैथ लेक्चर वन। देखिए यहां पर मैंने सिलेबस लिखा है कि क्या क्या हम बेसिक मैथ में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट देखेंगे, लॉगरिथम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इंटरवल्स, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, नंबर लाइन रूल, वेवी कर्व मेथड, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट है, आप ट्वेल्थ में इसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी होना उसमें ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो बेसिक मैथ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या बताया मैंने, कलर पहले चूज कर लेते हैं, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये सबको आता होगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो देखिए ये तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए, लेकिन यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, कितना इसका यूज कर सकते हैं, वो मैटर करता है। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। एप्लीकेशन पार्ट जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही आपको मजा आएगा। तो देखिए यहां पे देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को थोड़ा सा कंपेयर करें तो यहां से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। कैसे आया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इधर लाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द टर्म, ट्रांसपोज करने में प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। फिर अगर हम इसमें देखें तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, इतना क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए कि अगर कभी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट अगर वो पूछ रहा है तो हम इसको कैसे यूज करें, अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, ध्यान रखना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं तो बहुत चुकता है ये, तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अगर इन दोनों टर्म को अगर हम ऐड करते हैं और क्या क्या इसके साथ हम खेल सकते हैं, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। सिंपली ऐड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं फोर टाइम्स ऑफ ए बी, क्या किया सिंपली इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको क्या क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बोल सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या ए प्लस बी नहीं सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर दूसरा बताया मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ए बी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, फोर टाइम्स ऑफ ए बी। ओके, थोड़ा सा पानी मंगवा दो मेरे लिए, ठीक है? फोर टाइम्स ऑफ ए बी। अब देखिए, अगर यहां पे इसे अगर हम फोकस करते हैं तो यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये अगर राइट हैंड साइड में चला गया तो प्लस हो जाएगा, और ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए टाइम्स ऑफ ए बी। तो कुछ नहीं किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर को थोड़ा सा हमने इधर उधर घुमाया तो देखिए नई नई टर्म हमें मिल गए। ओके, इतना क्लियर है? फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर है? इतना क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए अगेन, अगर हम ए प्लस वन अपॉन ए होल स्क्वायर अगर हम करें, ए और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है? यहां पे कुछ कुछ टेक्निकल शब्द भी आप ध्यान रखिए कि जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? सपोज टू है, टू का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन बाई टू। तो रेसिप्रोकल इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इतना क्लियर है? कहीं पे अगर ऐसा यूज कर दे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सिंपली ए रेसिप्रोकल ऑफ ए गिवन नंबर। इतना क्लियर है? फिर यहां पे एक और शब्द आता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसमें हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि नंबर का आइडेंटिटी चेंज ना हो। मल्टीप्लीकेटिव मतलब मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मतलब पहचान, तो नंबर की पहचान गायब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा है टू, नहीं सॉरी टू बोल रहे हैं, वन। अगर हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारा सेम ही रहता है, तो वन इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे दो शब्द मैंने बताए, एक है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और एक है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। फिर ऐसे ही एडिटिव में भी आता है, ऐसे ही हमारा एडिटिव में भी आता है, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बताया मैंने? एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ऑफ ए गिवन नंबर या अपोजिट ऑफ ए गिवन नंबर। सपोज हमारे पास टू है कोई नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस टू। इतना क्लियर है? तो माइनस टू का एडिटिव इनवर्स टू होगा और टू का एडिटिव इनवर्स माइनस टू होगा। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। ऐसी कौन सी चीज जिसे एड करने से नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एडिटिव आइडेंटिटी।
तो 2 प्लस 0 या 3 प्लस 0 क्या होगा, 2 ही होगा। तो 0 इज कॉल्ड, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इतना क्लियर है? तो 1 को हम एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय x बोले तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो 0 अगर किसी के मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो आंसर 0 हो जाता है। फिर और क्या है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है 2, 3 कुछ भी, तो कोई भी डेफिनेट नंबर है उसे हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कुछ मैथमेटिक्स में लिमिटेशंस है। तो 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आ जाता है, और 0 को किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो नंबर में कोई असर नहीं पड़ता है। तो दैट्स व्हाई 0 इज आल्सो नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही और भी चीजें साथ साथ चलते रहेंगे। तो कुछ कुछ वर्ड है, वो वर्ड आपको नोट डाउन कर लेते हैं, कर लेना है। तो वर्ड अगर आप नोट डाउन करते जाएंगे तो दिक्कत आपको कुछ नहीं होने वाली है। चीजों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बेस्ट लर्निंग होता है आपका अच्छे से सुनना, अच्छे से लिखना, अच्छे से महसूस करना, फिर जाके पूछना। ये ना हो कि लिखने और बोलने में और सुनने में ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैप हो जाएगा तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप कंफ्यूज ज्यादा रहेंगे और चीजें डिफिकल्ट लगेगी और आप में इरिटेशन भी आएगा। तो पेशेंस रखिए। तो देखिए अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंपली बोल सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a² + 2 और ए माइनस 1 अपॉन a² क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a² - 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना मींस आंसर इज 1। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a² एज, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिखा था तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 अपॉन a² होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a² को अगेन हम ए माइनस 1 अपॉन a² ए माइनस 1 अपॉन a² होल स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस आएगा और अंदर माइनस है तो बाहर प्लस आएगा। इतना क्लियर है? आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। इतना क्लियर है? फिर क्यूब वाले फॉर्मूले आप लोगों ने 10th में देखे होंगे, क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब, ये याद है या नहीं है, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a प्लस बी होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? अगर इसको हम पूरा एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी। इतना क्लियर है? तो यहां से क्या क्या हम डिराइव कर सकते हैं, देखिए देखिए जो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट अपने एफर्ट से आना चाहिए। अगर शॉर्टकट आपके रटने से आ रहे हैं तो रटंती विद्या फलंती नाहि, यहाँ पे ध्यान रखें। तो बेसिक क्लियर रखिए और शॉर्टकट अपने मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से डेवलप कीजिए। बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो फिर याद भी पूरा रहेगा। तो रिटेंशन आपका अच्छा हो उसके लिए बेसिक क्लियर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आपने इस टाइप का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम करें तो सेम वैसे ही जैसे अभी करा, तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब है और इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 3ab a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा करने से हमारे पास आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। और इसे और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ए प्लस बी, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, कॉमन लेना समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी लिया तो यहाँ से एक पावर कम हो गई और ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया था तो क्या आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी मीन्स माइनस ए बी। इतना क्लियर है, ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाता है हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये सब आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा है। फिर ए माइनस बी होल क्यूब अगर हम बोले ए माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब माइनस माइनस नहीं प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। ये समझ में आ रहा है, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी था, तो हमें इसी पे फोकस किया तो क्या हो गया, जो और जो टर्म थी उसको हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो यहाँ माइनस थी ए प्लस में कन्वर्ट होगी। इतना क्लियर है, अगर फिर फर्दर इसे और अगर हम खोलते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना क्लियर है, तो फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिए आप लोग ए क्यू और बी क्यू वाले भी कि ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप क्या इसके साथ खेल सकते हैं, यहाँ पे ये खेल सकते हैं हम कि ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल क्यूब फिर प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। तो यहां से हमने खोला तो क्या आया हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना क्लियर है, तो इतनी आइडेंटिटी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। फिर देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आपके बनते हैं, तो इतनी आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए और बाकी 20 तक के स्क्वायर भी आपको याद रहने चाहिए, स्क्वायर भी आपको याद रहने चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अटेम्प्ट कीजिए। इफ ए प्लस बी इक्वल टू थ्री एंड ए बी इक्वल टू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए मैथ्स में आप निकाल तो लेंगे, मैथ्स में आप निकाल तो लेंगे, लेकिन कितना सिंपल तरीके से आप आंसर में पहुंचते हैं, कितने आसान तरीके से आसान में पहुंचते हैं, कितना विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी आप आंसर पे पहुंचते हैं वो मैटर करता है, उसी से ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अदरवाइज हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आंसर सही आया या नहीं आया। तो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर सकते हैं, आंसर बताइए, बताइए क्या होगा आंसर, आंसर बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। अगर a प्लस बी हमें दिया गया है और a भी हमें दिया गया है,
ए प्लस बी अगर हमको दिया गया है और ए भी हमें दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ध्यान रखें यहां प्लस है तो इधर माइनस आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आया हमारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से, जो हमने निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसी में ही हमने थोड़ा सा क्या है लेफ्ट राइट किया, तो ये भी चीज हमारे पास आ गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर है इतना? ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ए प्लस बी हमें गिवन है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, तो क्या हो जाएगा नाइन माइनस फोर इक्वल टू फाइव। इतना क्लियर है? फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे हमारे पास निकलेगा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। इतना क्लियर है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमारे पास आ गया क्या है, फाइव है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, फाइव है। और ए माइनस बी स्क्वायर हमको पता नहीं है, और टू ए बी, ए बी हमें गिवन है टू, ए हो जाएगा फोर। क्लियर है? तो यहां से आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव माइनस फोर वन, तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया हमारे पास प्लस माइनस वन। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें हैं, अभी आप अलेवेंथ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो x को हम क्या बोल देते हैं, प्लस माइनस a बोल देते हैं। इतना क्लियर है? तो जैसे यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर वन आया, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन आ जाएगा। इतना क्लियर है? फिर हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यू प्लस बी क्यू। फिर हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, प्लस वन एंड माइनस वन, और ए प्लस बी कितना दिया गया है, थ्री दिया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइदर इसमें दो आंसर हो जाएंगे, थ्री इंटू वन और थ्री इंटू माइनस वन। तो इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज प्लस माइनस थ्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज प्लस माइनस थ्री। और फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी दिया है और ए भी दिया है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम कर सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी दिया गया है, माइनस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, या इसमें ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। इतना क्लियर है? तो ए प्लस बी थ्री दिया गया है और ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू, तो क्या हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा नाइन माइनस सिक्स, तो क्या हो जाएगा आंसर थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो आंसर आ जाएगा नाइन। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास आ जाएगा नाइन। आंसर आप निकाल लेंगे, लेकिन कितने इजी वे से आप निकाल पा रहे हैं, कितना सरल तरीके से आप निकाल पा रहे हैं, और कितना जल्दी आप निकाल पा रहे हैं। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो क्या क्या आंसर हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज फाइव, ए माइनस बी एज प्लस माइनस वन, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया हमारे पास प्लस माइनस थ्री,
और ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया हमारे पास 9। ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास क्या आ गया 9। कैलकुलेशन कितना कम करना पड़े ये उद्देश्य रहना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कितना आप उसे सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं और कितना आप इमेजिनेशन चीजों में ला पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर 5 है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो यहां पे देखिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिया गया है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिया गया है 5। क्लियर है? अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये सेम क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, नहीं सॉरी यहां माइनस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ध्यान ये रखना है कि यहां पे ए और बी आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, यहां माइनस प्लस आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस क्या आएगा 2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 होगा, ए बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 5 स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 25 प्लस 2, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 27 आ गया। आंसर कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया। अब देखिए अब है एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4, एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4। तो देखिए अभी हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आया हमारे पास 27। तो यहां से देखिए अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स रेस टू दी पावर 4 है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स रेस टू दी पावर 4 है। तो इसका मतलब यहां पे इन दोनों को हम अगर रिलेट करें तो यहां पे हम बोल सकते हैं एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां प्लस है तो माइनस आएगा 2ab, दोनों के दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं तो क्या आएगा माइनस 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4 क्या आ जाएगा 27 होल स्क्वायर माइनस 2। तो 27 होल स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 729 माइनस 2। तो आ गया हमारे पास एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4 क्या आ गया आंसर 727। और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 27। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। अब इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें क्या है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप में अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। इतना क्लियर है? इतना बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए को लिख दें हम x और b को लिख दें 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, और यहां आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x, और इधर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ए बी इज 1। इतना क्लियर है? और x माइनस 1 अपॉन x हमें क्या दिया गया है 5 दिया गया है, क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। ये क्या है x माइनस 1 अपॉन x, क्या दिया गया है हमें 5 दिया गया है, क्या दिया गया है 5 दिया गया, x माइनस 1 अपॉन x क्या है 5 है, इनटू 5 स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25
और 25 और 3 28, तो आंसर हो जाएगा 8 5 जा 40 एंड 5 2 जा 10 40, तो 140, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 140 आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 140। तो ये अप्लाई करने आने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने क्या लिख लिया, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। हाँ भाई राहुल, क्या डाउट है, क्या डाउट है, क्या डाउट है, कौन सा समझ में नहीं आया? ध्रुव बोल रहा है प्लीज सर, सर रिपीट करो। राहुल जी बोल रहे हैं सर ध्रुव हैव डाउट। अच्छा, उसको डाउट नहीं है, ध्रुव को, वो बता रहा है कि ध्रुव को डाउट है। कौन सा क्वेश्चन में डाउट है भाई, क्या समझ में नहीं आया? यहां पे हमें सिंपली क्या करना है, देखिए ये हम ध्यान रखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab या ये लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है? अब दिया था यहां पे x माइनस वन अपॉन x, वो क्या दिया है 5 दिया है, और हमको पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो अगर हम यहां पे a को x ले लें और b को 1 अपॉन x ले लें, तो यहां पे इस चीज को लगाए तो हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एज, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एज x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2, तो जो कि क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 27। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है? हाँ भाई मैसेज कर दो, क्लियर है? हाँ भाई ध्रुव क्लियर है? सेम वे में अब हम इसको अगर हम a मान लें और इसको अगर हम b मान लें, तो हम बोल सकते हैं x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 एज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2। तो क्या आ गया यहां पे आंसर 27 स्क्वायर माइनस 2, तो जो कि कितना आ गया 729 माइनस 2, मतलब 727। क्लियर है, ये बात क्लियर है? बात क्लियर है? क्लियर, ओके। ध्रुव जी आप भी मैसेज कर दीजिए कि समझ में आया नहीं आया, क्या स्टेप आपका रिपीट करें। होप कि क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। यहां पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab, जिससे कि सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ गया था 140, ए माइनस बी हमको दिया गया है। इतना क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कीजिए। यहां पे है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर दिया गया है, अब निकालना है x प्लस 1 अपॉन x, यहां पे उल्टा निकालना है। अभी तक हमें क्या दिया था, x प्लस 1 अपॉन x था और दिया गया था, और हम निकाल रहे थे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहां पे उल्टा चल रहा है। तो कुछ नहीं, हम सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे देखिए, क्या हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एच एक्स प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 2 या एक्स माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? तो अगर हम ये देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब x प्लस 1 अपॉन x, अगर हम यहां पे देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और प्लस 2, क्या आ जाएगा प्लस 2, सॉरी इसका होल स्क्वायर,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है? खोल दिया हमने, सिंपली इसे खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये तो दिया ही है, तो 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 9, तो x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज 9, इट मीन्स x प्लस वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। सेम वे में ये भी आप निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं, तो घर में जाके ट्राई कीजिए, इसे एज ए होमवर्क आप ले सकते हैं। सिंपली क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का एप्लीकेशन है, क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आपका एप्लीकेशन है। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग से यहाँ पे कुछ काम करना होगा, है क्वेश्चन सिंपल ही, जो चीज अभी पढ़ रहे थे उसी का ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी होल क्यूब, इसी का ही एप्लीकेशन है, इसी का ही एप्लीकेशन है। देखिए क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे इसे, यहां पे गिवन है, व्हाट इज गिवन हियर, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या कीजिए, एक स्टेप कीजिए, यहां पे डिवाइड बोथ साइड बाई ए, अगर दोनों साइड अगर हम ए से डिवाइड कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस वन डिवाइड बाई ए और जीरो डिवाइड बाई ए, जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग रिजल्ट इज जीरो, तो राइट हैंड साइड में हमें जीरो ही रहेगा, और इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस थ्री ए अपॉन ए और माइनस वन अपॉन ए। इतना क्लियर है? देखिए एक छोटी सी चीज क्वेश्चन को कितना आसान बना देती है, तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, तो प्रैक्टिस इतना कीजिए कि जितना क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो सारा का सारा आप नोट डाउन करके रखिए, अपने एफर्ट का जितना टेक केयर आप करेंगे, अपने एफर्ट को जितना एनालाइज आप करेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्लियर है इतना? तो देखिए ए से ए कैंसिल, यहां से एक पावर कैंसिल, तो यहां से आ गया a माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री हमने इधर लिख लिया, तो a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू थ्री आ गया, तो सिंपल हो गया। क्वेश्चन में है अब कुछ, a माइनस वन अपॉन ए अगर हमको आ गया तो a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस टू, a माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस टू, तो a माइनस वन अपॉन ए क्या आया हमारे पास 3, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 2 दैट इज 11, दैट इज 11। बताइए क्वेश्चन कैसा था, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ दिया जाए, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिससे आप खुद ट्राई कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए। यहां पे देखिए तो अलग अलग डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ये x प्लस वन अपॉन x आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, तो अपने आप ट्राई कीजिए, आप लोग इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, यहां पर 25 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू, हमें क्या निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू
कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया गया हो, तो कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हमें ए बी भी नहीं दिया गया है, हमें ए बी भी नहीं दिया गया है, कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इसे निकाल सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां से अगर हम रिलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है, हमारा आंसर आ सकता है। तो ट्राई कीजिए इसे, ट्राई कीजिए इसे, आप ट्राई कीजिए, क्लियर है, तो इसे आप घर में ट्राई कर सकते हैं। यहां पे बताइए इसे x रेस टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 194 अगर हमें दिया गया है, 194 अगर हमें दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और x प्लस 1 अपॉन x कैसे हम निकाल सकते हैं? तो कैसे निकालेंगे, यहां पे प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना होगा, यहां देखिए दिस इज x स्क्वायर स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर है, तो अगर इसको a और इसको b माने तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 एज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। यहां दिया है 194, ये दिया है 194 और ये दिया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2। तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज 196 एंड 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज प्लस माइनस 14, प्लस माइनस 14। तो यहां पे ध्यान देने की बात है, ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब तो वैसे ही है लेकिन ध्यान देने की बात यहां पे है कि x हमारा अगर रियल नंबर है, अगर हमारा रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कांट नेवर बी लेस देन जीरो, कांट नेवर बी लेस देन जीरो, दो स्क्वायर क्वांटिटी का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता अनलेस एंटिल वो इमेजिनरी क्वांटिटी ना हो। तो इमेजिनरी क्वांटिटी अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, अगर कुछ दिया नहीं गया है तो हम क्या मान के चलते हैं, रियल क्वांटिटीज हम लेके चलते हैं, इतना क्लियर है। तो रियल क्वांटिटीज में दो स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 14 आएगी। तो ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे काम की बात है कि माइनस साइन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमको मिल गया, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी हम लिखा सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, होल स्क्वायर माइनस टू। और यहाँ पे क्या दिया है, ये 14 दिया गया है, 14 हम निकाल दिए थे, अभी क्या आएगा 14, तो 14 इज इक्वल टू
x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस टू मीन्स 16, 14 प्लस टू मीन्स 16, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 4, x माइनस वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे x के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ पे स्क्वायर थी तो इसलिए वहाँ पे लिमिटेशन आ गई, तो यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स की दो वैल्यू आ सकती हैं, क्या आ सकता है, प्लस 4 भी आ सकता है और माइनस 4 भी आ सकता है, इतना क्लियर है। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्लियर है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हमारे पास है और ए भी है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमको निकालना है, तो कैसे हमारा निकल सकता है ये देखिए, कैसे हमारा निकल सकता है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस थ्री एक्स इंटू वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, कहाँ से आया ये, ये आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी से, माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी से, कहाँ से आया ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इतना क्लियर है। तो देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या आया हमारे पास, प्लस माइनस फोर, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, ये है एक है हमारे पास केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट होगा एक, और एक होगा हमारे पास केस सेकंड, एक होगा केस सेकंड, क्लियर है। केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को प्लस फोर, और केस सेकंड में हम ले लेते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स को माइनस फोर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को माइनस फोर, सॉरी यहाँ पे क्या आया है, x माइनस वन अपॉन एक्स है, x माइनस वन अपॉन एक्स, रुके 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 रुके, ओहो हो हो, ये x प्लस वन अपॉन एक्स हमने निकाला है, एक गलती हो गया यहाँ पे, x प्लस वन अपॉन एक्स क्या आया, प्लस माइनस फोर आ गया, x प्लस वन अपॉन एक्स ये क्या है हमारे पास, x प्लस वन अपॉन एक्स, तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या आया, प्लस माइनस फोर, तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या आ गया, माइनस फोर, या x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर, तो क्या ये आंसर आएगा यहाँ पे, देखिए अगर हम प्लस फोर लेते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को फोर अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा फोर क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर, तो क्या आ जाएगा आंसर, 64 माइनस 12 दैट इज 52, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इधर से हम लिखते हैं माइनस फोर अगर हम लिखते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब मतलब माइनस फोर क्यूब, एंड माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मीन्स माइनस फोर। अब देखिए अगर बेस हमारा माइनस फोर है तो माइनस, अगर हमारे पास बेस है और पावर ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव आता है, आंसर हमारा क्या आता है, नेगेटिव,
इट मींस माइनस फोर इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री टाइम्स। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 64 प्लस 12, तो आंसर हो जाएगा माइनस 52। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या आंसर आ गया इसका, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या आंसर आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 52। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 52। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 52। इतना क्लियर है? अब देखिए, इतना क्लियर है? क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर दोनों को हमने ऐड करा, दोनों को हमने सेपरेट करा, और उन्हीं के बेस पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी देखा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी देखा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारी आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, एक्स अगर हमें ये दे रखा है तो अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है और वो इरेशनल नंबर सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस सम ऑफ इरेशनल नंबर है या सम ऑफ टू इरेशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं हम तो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर ही आता है। तो अगर कोई रैशनल नंबर नहीं सॉरी इरेशनल नंबर इस हिसाब से दिया गया है कि वो सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस क्या है इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर है या डिफरेंस में है, अगर कोई इरेशनल नंबर इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है कि वो समेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल है या सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल माइनस इरेशनल है या क्या है हमारे पास इरेशनल प्लस इरेशनल है या इरेशनल माइनस इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर सम में अगर सम या डिफरेंस में इरेशनल नंबर दिया गया है तो जो जिनका सम या डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है अगर उनका स्क्वायर करके हम देखते हैं और उनका स्क्वायर का डिफरेंस अगर वन आता है, अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आता है वन आता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, सपोज यहाँ पे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू वन है, अगर ऐसे नहीं लिखते हैं इसे, ऐसे लिखते हैं, रुकिए क्या बोला मैंने कि सपोज कोई इरेशनल नंबर समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर है, समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर है, इतना क्लियर है, ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी हमने क्या माना इरेशनल नंबर माना और इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस वन है, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस वन है, तो अगर ये वैल्यू हमारे टी के बराबर आ रही है तो वन अपॉन टी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। कैसे इसे ऑब्जर्व करें, देखिए सपोज कोई रैशनल इरेशनल नंबर है हमारे पास टू प्लस अंडर रूट थ्री नहीं सॉरी टू प्लस अंडर रूट थ्री सपोज कोई इरेशनल नंबर है हमारे पास समेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इतना क्लियर है। अब देखिए इसका स्क्वायर है 4 और इसका स्क्वायर है 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1 आ गया, तो अगर ये वैल्यू हमारी क्या है x है
तो वन अपॉन एक्स हमारे पास क्या होगा, टू माइनस अंडर रूट थ्री होगा, टू माइनस अंडर रूट थ्री होगा। कैसे होगा ये, कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। अगर x दिया है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट थ्री, x दिया है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट थ्री, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे रैशनलाइज कर देते हैं, 2 माइनस अंडर रूट थ्री और 2 माइनस अंडर रूट थ्री, क्लियर है। तो अगर न्यूमरेटर में देखिए ये आ जा रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया वन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स इजिकल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस अंडर रूट थ्री। इट मीन्स टू माइनस अंडर रूट थ्री इज वन अपॉन x, टू माइनस अंडर रूट थ्री इज वन अपॉन x। अगर बात समझ में आ गई हो तो यहाँ पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर कोई इरेशनल नंबर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल है या सम ऑफ टू इरेशनल नंबर है और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर वन है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर वन है, तो उस कंडीशन में सिचुएशन क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में सिचुएशन ये हो जाएगी, उस कंडीशन में सिचुएशन ये हो जाएगी कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर वन है, इफ ए माइनस बी इज वन, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अरे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आपस में क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये कहीं कहीं पे रामबाण बन जाता है, कहीं कहीं पे क्या बन जाता है, ये रामबाण बन जाता है। क्लियर है, बात क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन वैसे भी हो सकता था, ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता था, लेकिन अगर इस चीज को अगर यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी बनता है। अगर x है हमारे पास 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए 49 और इसका स्क्वायर करें तो 48, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है, तो इसका मतलब 1 अपॉन x हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, x प्लस वन अपॉन एक्स हमारे पास 14 आ जाता है, x प्लस वन अपॉन एक्स हमारे पास क्या आ जाता है 14 आ जाता है। फिर x प्लस वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर खोली x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा तो x प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स चाहिए, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स हमको चाहिए। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या आ गया हमारे पास 14, तो यहां आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 14 माइनस 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 तो ये हो जाएगा 16, दिस इज 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर 16 आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स इज प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होता है। यहां पे और मजेदार चीज देखने की जरूरत है, जैसे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर
निगेटिव नहीं हो सकता, वैसे ही अंडर रूट में अगर कोई रियल नंबर जा रहा है तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब अंडर रूट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पे सेम वही कंडीशन जैसे पिछली बार थी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि अंडर रूट एक्स कभी निगेटिव नहीं आएगा। इतना क्लियर है? एक्स क्योंकि निगेटिव नहीं होगा तो अंडर रूट एक्स भी कभी निगेटिव नहीं होगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ कि अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, एंड इफ ए माइनस बी इक्वल टू वन है, तो वन अपॉन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाए है? इतना बिल्कुल क्लियर है कि इसका रेसिप्रोकल ये होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है कि एक्स आ गया हमारे पास, हमारे पास क्या है? x है, तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। हमें क्या चाहिए? x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब चाहिए। तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब को अगर हम देखें तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं? x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब प्लस 3 x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 upon x। इतना क्लियर है? तो देखिए अगर हम x माइनस 1 upon x यहां पे देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पे देखिए x क्यूब माइनस 1 upon x क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 अंडर रूट 2 होल क्यूब प्लस 3 और ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट 2 और यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35, और 35 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे? इसका आंसर आ जाएगा 140 अंडर रूट 2। This should be equal to 140 under root 2। ये क्या आ जाएगा आंसर? 140 under root 2। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 140 under root 2। तो देखिए कुछ बातें अगर आपकी क्लियर रहती हैं और ध्यान में रहती हैं तो क्वेश्चन कितनी जल्दी आपका बन जाता है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़िए। अगर यहाँ पे a और b आपस में रेसिप्रोकल हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? तो सिंपल है, यहाँ पे भी a प्लस b क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस b क्या हो जाएगा? 10। a प्लस b क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें ये दोनों के दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस b क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। इतना क्लियर है? और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी
होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, इतना क्लियर है। अब दोनों के दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ए और बी आपस में रेसिप्रोकल हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इज टेन, तो टेन स्क्वायर माइनस टू मीन्स 98। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन क्यूब माइनस थ्री एंड ए बी इज 10। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो 10 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 100 माइनस थ्री, 100 माइनस थ्री इज 97, तो आंसर क्या आ जाएगा, 970। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 970। देखिए दिस स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर कितना हो जा रहा है, 24। तो 25 माइनस 24 क्या हो रहा है, 1। तो जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस लगा देना है तो हमें ए का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, ए का रेसिप्रोकल हमको मिल जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ये पीछे वाली चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये पीछे वाली चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये वाली चीज कि अगर क्या है, ए माइनस बी वन है तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये वाला सवाल देखिए, इफ द नंबर पी इज सेवन, इफ द नंबर पी इज सेवन मोर देन द नंबर क्यू एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पी एंड क्यू इज 85, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। बनाइए इसे, बनाइए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द नंबर पी इज सेवन मोर देन क्यू, तो अगर पी और क्यू में अगर हम कंपेयर करें तो पी इज ग्रेटर देन क्यू, ये बोल रहा है। पी इज मोर देन, पी क्या है, क्यू से बड़ा है, पी और क्यू से बड़ा है। और कितना बड़ा है, पी माइनस क्यू इज सेवन, कितना है पी, क्यू से सेवन ज्यादा है, कितना है पी, क्यू से सेवन ज्यादा है। और उनके स्क्वायर का सम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है हमारे पास, 85 है। उनके स्क्वायर का सम हमारे पास क्या है, 85 है। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो हम सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पे देखें, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो सेम उसी वे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गिवन है 85, पी माइनस क्यू कितना है 7 आया, तो 7 स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पी क्यू, कितना आ गया हमारे पास, 2 पी क्यू। 85 माइनस 49, 85 माइनस 49, 2 पी क्यू कितना आ गया हमारे पास, 85 माइनस 49, तो 85 माइनस 49 कितना आ गया हमारे पास, 15 माइनस 9 कितना आ गया, 6, फिर 7 माइनस 4 3 कितना हो गया, 36, मीन्स पी क्यू इज 18। तो पी की क्यू वैल्यू क्या आ गई, पी एंड क्यू क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज 18, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू कम्स आउट टू बी 18, कम्स आउट टू बी 18। इतना क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू कम्स आउट टू बी 18। इतना क्लियर है, अरे बताइए क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ी, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 7, सम ऑफ टू नंबर इज 7 एंड सम ऑफ दियर क्यूब इज 133, फाइंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, सपोज दो नंबर है ए बी, उन दोनों का सम है 7, उन दोनों का सम क्या है 7 है,
और उनके क्यूब का सम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 133, कितना है 133। हमको क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। सिंपली आइडेंटिटी का ही खेल है, आइडेंटिटी का ही खेल है। तो यहां पे क्या करिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यूब को, ए क्यू प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, 3ab ए प्लस बी ऐसा हम लिख सकते हैं। ए प्लस बी हमको दिया गया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं। बताइए बताइए क्या क्या है, समझ में आ रहा है सबको, सब बोल रहा है समझ में आ रहा है, तो बताइए आंसर, बताइए चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर हमने यहां पे रख लिया ए क्यू प्लस बी क्यू कितना दे रखा है 133, ए प्लस बी होल ए प्लस बी कितना दे रखा है 7, 7 क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी कितना है 7। तो यहां पे देखिए 133 7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहां पे तो ये आ जाता है 7 स्क्वायर माइनस 3ab। 7 से अगर 133 को डिवाइड करते हैं तो 19 के टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 19 7 जा कितना होता है 133। तो यहां से हमें समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया हमें, यहां से ये समझ में आया हमें कि 19 इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 स्क्वायर माइनस 3ab, 19 इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस का 3ab। इतना क्लियर है, यहां से हम बोल सकते हैं कि 3ab इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस का 19, तो 7 स्क्वायर इज 49 और माइनस का 19, तो 3ab इक्वल टू आ गया हमारे पास 30, 3ab इज 30, तो ab हमारे पास क्या आ गया, ab हमारे पास आ गया 10, ab हमारे पास का आ गया 10, तो a प्लस बी हमारे पास 7 है और ab हमारे पास 10 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी इज 7 स्क्वायर और 2ab मींस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 49 माइनस का 20, दैट इज 29, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया हमारे पास 29 आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आया 29 आया। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, कल हम कुछ और आइडेंटिटीज लाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब किस हिसाब से, जैसे आज था आज हमने दो दो टर्म लिया ए और बी लिया, तो कल हम तीन तीन टर्म लेके चलेंगे, जो भी हमने टेंथ में पढ़ाया है वो हमें अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उसका प्रैक्टिस करना है, नोट्स आप अच्छे से बनाइए, बेसिक मैथ पे अच्छा पकड़ बनाइए। ये सारी चीज़ें आपके बीच बीच में मिल सकती हैं, या ये सारी चीज़ों पे अच्छा अगर आपका क्या है पकड़ बन गया तो मैथ्स आपका ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। तो बाकी जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि पूरे अप्रैल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको यूट्यूब पे लाइव मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से परखिए, फिर ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो क्या करना है आपको, प्ले स्टोर में जाना है, टेक गुरुज टाइप करना है,
टेक गुरुज टाइप करके टेक गुरुज का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आप संभव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 1499 में आपको कंप्लीट 11th अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कल इसी टाइम पे 7:30 बजे हम लोग मिलते हैं। ओके.